गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, जो हमारी कल की क्लास हुई थी, ठीक है, उसमें हमने क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ा था। लेकिन मैं एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी। इस पर हमने दो वीडियो डाल दी है। प्लांट किंगडम काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। जब भी कोई एग्जाम होता है तो जूलॉजी के कम क्वेश्चन आते हैं और बॉटनी से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली। वैसे तो लगभग बराबर ही आते हैं। तो हमने शुरू करा था प्लांट किंगडम का, जो हमने पहला क्लास शुरू करी थी उसमें हमने बताया था कि जो आर एच विटेकर हैं उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया था। पांच जगत जो वर्गीकरण है वह उन्होंने 1969 में दिया था। उसके अनुसार उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कहा था कि जो पांच जगत हैं, जो फाइव किंगडम हैं, वह मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया हैं। ठीक है, तो हम इस समय बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटी की, पादप जगत की हम बात कर रहे हैं। तो पादप जगत, हमने कहा कि जो पादप जगत होता है उसके अंदर सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पादपों को रखा गया है। और जो यूकैरियोटिक पादप होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट फोटोसिंथेटिक करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक भी कहा जाता है। अब जो किंगडम प्लांटी है उसके पांच समूह हैं, ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हमने स्टार्ट किया है एल्गी, एल्गी हमने स्टार्ट किया है। एल्गी में हमने क्या पढ़ा, एल्गी नाम लीनियस ने दिया और एल्गी की स्टडी आपकी एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो फ्रिश्च हैं और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी MOP आयंगर है। एल्गी को हिंदी में सैवाल भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली जो एग्जाम पेपर आता है उसमें एल्गी ही लिखा रहता है, तो एल्गी और सैवाल में कंफ्यूज नहीं होना। तो जो एल्गी होती है वह आपकी फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है और मैराइन वाटर में भी पाई जाती है, मतलब स्वच्छ जल और लवणीय जल दोनों जगह पाई जाती है। और जो एल्गी है उसमें क्या होती है, आपकी सेल वॉल होती है, क्योंकि इसको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया है तो इसका एक नेचर है, प्रकृति है कि इसमें एक सेल वॉल पाई जाती है। फिर जो एल्गी है उसका जो शरीर है वो थैलस के आकार का होता है और उसमें जड़, तना और पत्ती अनुपस्थित रहती है। ये सब मैं जो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था उसको रिपीट कर रही हूँ। और जो एल्गी है वो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषक है, ऑटो फोटोट्रॉफिक है। रिप्रोडक्शन देखेंगे तो एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ज्यादातर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्ट्स के द्वारा होता है, चल बीजाणु के द्वारा होता है, और अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो फिर अचल बीजाणु बनते हैं, सुप्त बीजाणु बनते हैं, एकाइनिड्स वगैरह बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, तीन टाइप का होता है। अब हम पढ़े थे कि जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है, एल्गी को तीन क्लासों में बांटा गया है। वैसे तो क्लासिफिकेशन कई तरीके से कर रखा है लेकिन वर्णकों के आधार पे हमने एल्गी को तीन तरीके से बांटा। क्लोरोफाइसी, इसको ग्रीन एल्गी इसमें रखी गई है, फियोफाइसी इसमें ब्राउन एल्गी रखी गई है और रोडोफाइसी में रेड एल्गी रखी गई। तो इसमें से हमने जो क्लोरोफाइसी है उसको हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था। क्लोरोफाइसी को आप ग्रीन एल्गी कहते हैं और क्लोरोफाइसी को ही आप जो उच्च पादप होते हैं, हायर प्लांट होते हैं, उनका पूर्वज मानते हैं। पूर्वज मीन एंसेस्टर माना जाता है। अब हम आज बात करेंगे, ये देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। ग्रीन एल्गी में आपका वोल्बॉक्स आ गया है, ये कॉलोनियल एल्गी होती है, एक क्लेमाइडोमोनास आ गया है और ये कारा आ गया है जो आपके सामने भी दिख रहा है। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे डिवीजन फियोफाइटा, मतलब क्लास फियोफाइसी हम शुरू करेंगे। जो एल्गी की क्लास फियोफाइसी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो फियोफाइसी है उसी को ब्राउन एल्गी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राउन एल्गी किसे कहा जाता है, तो ब्राउन एल्गी आपकी फियोफाइटा के अंदर आती है या फियोफाइसी, इसको ब्राउन एल्गी या सीवीड्स भी कहते हैं। सीवीड्स का मतलब हो गया आपका समुद्री खरपतवार भी कहते हैं।
तो इसको नोट करना है कि जो आपका डिवीजन फियोफाइटा है उसके अंतर्गत आपकी फियोफाइसिया की क्लास, और इसी को आप ब्राउन एल्गी भी कहेंगे और इसको सीवीड्स या समुद्री खरपतवार भी कहते हैं। अब अगर इसके हैबिटेट और स्ट्रक्चर की बात करें, आवास और संरचना, हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर का मतलब हो गया है आवास और संरचना। तो जो ब्राउन एल्गी है वो लवणीय जल अर्थात समुद्र में पाई जाती है, मैराइन वाटर में पाई जाती है, इसीलिए इसको समुद्री खरपतवार भी कहते हैं। इसका एक लक्षण है कि जो ब्राउन एल्गी है वह आपकी समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। और जो ब्राउन एल्गी है यह बहुकोशिकीय और तंतुमय होती है। बहुकोशिकीय तंतुमय का मतलब हो गया है मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस होती है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो ब्राउन एल्गी है वो सबसे बड़ी होती है, 100 मीटर तक लंबाई इसमें पाई जाती है। और सबसे बड़ी जो ब्राउन एल्गी है, इसको आप नोट करेंगे, सबसे बड़ी ब्राउन एल्गी आपकी मैक्रोसिस्टिस है। तो जो ब्राउन एल्गी है वह ज्यादातर नहीं, हमेशा समुद्र में पाई जाती है और इसको समुद्री खरपतवार भी कहते हैं। और ये बहुकोशिकीय तंतुमय होती है और सबसे बड़ी भी होती है, और सबसे बड़ी ब्राउन एल्गी में भी सबसे बड़ी मैक्रोसिस्टिस है। अब काईक जो कोशिका होती है, वेजिटेटिव सेल है, वो सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। जो कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, सेल वॉल होती है, वह इसकी सेल्यूलोज से बनी होती है। और जो कोशिका भित्ति होती है उसके बाहर की ओर एल्जिन होता है, एल्जिन का जिलेटिनी स्तर होता है, स्तर का मतलब हो गया सीथ पाई जाती है, ठीक है। और ब्राउन एल्गी का थैलस तीन भागों में विभेदित होता है। अब जो एल्गी है वो तो थैलस नुमा संरचना होती है, लेकिन जो ब्राउन एल्गी है उसका थैलस तीन भागों में विभेदित होता है। पहले को बोलते हैं लेमिना मतलब फलक हो गया है, दूसरे को बोलते हैं स्टाइप मतलब ब्रिंथ हो गया है, और तीसरा होल्ड फास्ट सतह से चिपकने में सहायक होता है। इसका हमने आगे फिगर भी देखेंगे, फिगर की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने जब ग्रीन एल्गी को पढ़ा था, आप पीछे से आगे की ओर मुड़ते हुए चलेंगे, तो ग्रीन एल्गी में हमने जब हमने वॉल बॉक्स को देखा था, ये देखिए जब हमने यहाँ पे वॉल बॉक्स को देखा था तो यह एक संरचना गोल सी संरचना है। उसके बाद उससे थोड़ा विकसित क्लेमाइडोमोनास है और कारा थोड़ा सा आपको प्लांट की तरह दिखाई दे रहा है। उसके उससे थोड़ा हायर आते हैं तो ये आपकी फियोफाइसी आ गई है। और फियोफाइसी में क्या होता है, जो उसका थैलस होता है, ब्राउन एल्गी का जो थैलस होता है वो तीन भागों में आपका विभेदित है, लेमिना स्ट्राइप और होल्ड फास्ट। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ये देखिए इसका फिगर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे इसी तरह से। यहाँ पे देखिए बेटा, ये लैमिनेरिया मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, लैमिनेरिया आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लैमिनेरिया ये जो ये प्लांट सदृश रचना है, इसमें देखिए इसको होल्ड फास्ट कहते हैं, जिसकी सहायता से ये टिका हुआ है जमीन में। और स्ट्राइप का मतलब क्या है, थोड़ा सा तनानुमा जो रचना है उसको आप स्ट्राइप कहते हैं। और ये हो गया है फ्रोंट, होल्ड फास्ट हो गया है आपका, स्ट्राइप हो गया है आपका, और लेमिना हो गया। लेमिना को आप फ्रोंट भी कहते हैं या फलक भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसकी रचना आ जाएगी। इसको देखेंगे, ये देखो डिक्टियोटा है, इसमें स्ट्राइप देखिए, और ये फ्रोंट है, और होल्ड फास्ट आपका नीचे हो गया है। ये फ्यूकस देखिए, यहाँ पे आपका होल्ड फास्ट, जिसकी सहायता से ये टिका हुआ रहता है, होल्ड फास्ट की सहायता से यह टिका हुआ रहता है। और जो लेमिना वह स्ट्राइप के कारण ब्राउन एल्गी क्या लगती है, पत्ती के समान लगती है, जैसे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर लग रहे हैं, लेकिन ये लीव्स नहीं है, ये आपके फ्रोंट है। यहाँ देखिए फ्रोंट, या इसको लेमिना कहते हैं। तो लेमिना के बारे में सबसे पहले हम लेमिना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इसे आप नोट भी करेंगे। हमने कहा कि जो ब्राउन एल्गी है उसका थैलस तीन भागों में आपका विभेदित रहता है, तीन भागों में बटा हुआ रहता है। पहले को आप लेमिना, फलक या फ्रोंट कहते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, इनको डायग्राम को आपको अपनी कॉपी में बनाना है। और जो देखिए लेमिना हो गया आपका फलक फ्रोंट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यह पत्ती के समान भाग होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, आप फिगर देख लीजिए। जो लेमिना है वह आपका पत्ती के समान भाग है, और जो स्ट्राइप है, स्ट्राइप देखिए यहाँ पे, स्ट्राइप
यहाँ पे स्ट्राइप देखेंगे, ये आपका ये लेमिना हो गया, लेमिना को फ्रोंट भी कहते हैं, और ये क्या है, पत्ती के समान भाग है, और जो स्ट्राइप है, जो स्ट्राइप है स्ट्राइप वाले भाग में भोजन के संवहन के लिए, ये देखो भोजन के संवहन के लिए, क्योंकि भोजन इधर से उधर जाता है, लंबी लंबी नलिकाएं पाई जाती हैं, भोजन के संवहन के लिए स्ट्राइप में लंबी लंबी नलिकाएं पाई जाती हैं। देखिए नलिका समान सदृश रचना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो जो ये लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं ट्रम्पेट हाइफी। जो ये आपके सामने लंबी लंबी रचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको ट्रम्पेट हाइफी बोलते हैं। इनको पहले आप अपनी कॉपी में बना दीजिए, और उसके बाद देखिए, उसके बाद जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले फ्यूकस है, यह डिक्टियोटा है, और ये लेमिनेरिया है, और इसमें से मैं बात कर रही हूँ लेमिनेरिया की। अभी लेमिनेरिया के बारे में बात कीजिए, लेमिनेरिया में देखिए इसमें सब दिखाई दे रहा है। तो लेमिना किसे कहते हैं, लेमिना पत्ती के समान भाग होता है, और लेमिना को फ्रोंट भी कहते हैं, और जो स्ट्राइप है वो क्या करते हैं, स्ट्राइप वाले भाग में, जो आपका स्ट्राइप वाला भाग है उसमें भोजन के संवहन के लिए आपकी लंबी लंबी नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें आप ट्रम्पेट हाइफी कहते हैं। और ये जो आपकी ट्रम्पेट हाइफी है, या जो ये नलिकाएं हैं, ये आपके देखने में उच्च पादपों की किसकी तरह दिखाई देती है, चालिनी नलिकाओं की दिखाई देती है, चालिनी नलिकाएं, जो चालिनी नलिकाएं किसे बोलते हैं, सीव ट्यूब, जो फ्लोएम के अंदर जो हायर प्लांट होते हैं उनमें फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब होती है उसके सदृश यह रचना दिखाई देती है, जिसे आप ट्रम्पेट हाइफी कहते हैं। इसीलिए क्या कहें, इनसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखो पहले एल्गी हुआ, एल्गी से डेवलप हुआ तो आपका ब्रायोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा से थोड़ा सा डेवलप हुआ तो आपका टेरिडोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा से थोड़ा सा डेवलप हुआ तो आपका जिम्नोस्पर्म बना, और उसके बाद जब वह पूरा तरह से डेवलप हो गया तो आपके सामने एक हायर प्लांट एंजियोस्पर्म बन के आया। तो धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होता गया है, उसको हमने पढ़ना है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो आपकी ब्राउन एल्गी होती है उसका थैलस तीन भागों में बटा हुआ होता है, पहले को लैमिना कहते हैं, उसको फ्रोंट भी कहते हैं, और हिंदी में उसको फलक कहेंगे, और दूसरा भाग आपका स्ट्राइप हो गया है उसको ब्रिंथ कहेंगे, और तीसरा भाग आपका होल्ड फास्ट हो गया। होल्ड फास्ट का मतलब हो गया जो सतह से चिपकने वाला भाग है उसको आप होल्ड फास्ट कहते हैं। और जो लेमिना है वह आपकी पत्ती सदृश रचना होती है, और जो स्ट्राइप है, जो ब्रिंथ है, उसमें क्या होता है, उसमें भोजन का संवहन करने के लिए कुछ लंबी लंबी नलिकाएं पाई जाती हैं, उनको आप ट्रम्पेट हाइफी कहते हैं। और जो ये ट्रम्पेट हाइफी है ये देखने में फ्लोएम की सीव ट्यूब की तरह दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हमने ब्राउन एल्गी के थैलस के बारे में पढ़ा कि ब्राउन एल्गी का थैलस तीन भागों में बटा हुआ होता है। तो जो फ्रोंड है, फ्रोंड की उपस्थिति के कारण आपका ये लीफ लाइक संरचना दिखाई दे रही है, तो ये रियल लीफ नहीं है। एग्जाम्पल आपके ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हो गए आपके फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। और ये आपके सामने जो तीन डायग्राम है इसमें से ये फ्यूकस है, ये डिक्टियोटा है, और ये हाँ लेमिनेरिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर पिगमेंट की बात करें हम, इसमें पिगमेंट जो ब्राउन एल्गी है उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है, और अगर कैरोटीन की बात करें तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो पिगमेंट आपका क्लोरोफिल ए एंड सी, और कैरोटीन बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जेंथोफिल्स भी पाया जाता है, और मुख्य रूप से इसमें फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है, नोट करना है, और इनको याद करना है। जो पिगमेंट है ए एंड सी, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है, और फ्यूकोजेंथिन इसमें पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन एक जेंथोफिल है। अब देखो ब्राउन एल्गी, बार बार क्वेश्चन आता है ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर की क्यों होती है, या हिंदी में ऐसे कहेंगे भूरे एल्गी भूरे रंग की क्यों होती है। तो फ्यूकोजेंथिन की मात्रा अधिक होने के कारण एल्गी ब्राउन होती है। जो इसमें जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन की मात्रा अधिक होने के कारण ये एल्गी ब्राउन होती है, और अधिकांश जेंथोफिल आपके पीले रंग के होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ब्राउन एल्गी की बात करने हैं, तो फ्यूकोजेंथिन के कारण ब्राउन एल्गी ब्राउन होती है, यह एक नोटिस करने वाला क्वेश्चन है। अब देखेंगे स्टोर फूड की तरफ आएंगे हम। स्टोर फूड इसमें है लेमिनेरियन एंड मैनिटोल।
स्टोर फूड की बात करेंगे, लैमिनेरियन एंड मैनिटोल, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न हैं और ये भी एक प्रकार के स्टार्च हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न हैं इसलिए स्टार्च भी हैं। तो जो लैमिनेरियन और मैनिटोल जो ब्राउन एल्गी है उसका संचित भोज्य पदार्थ है। स्टोर फूड का मतलब हो गया आपका संचित भोज्य पदार्थ है। अब देखिए फाइकोकोलॉइड्स, फाइकोकोलॉइड्स क्या होते हैं, नीचे देखिए जो ब्राउन एल्गी होती है उसकी कोशिका भित्ति, उसके सेल वॉल पे कुछ कोलॉइड पदार्थ पाए जाते हैं और इन्हीं को फाइकोकोलॉइड्स कहते हैं। क्वेश्चन आता है फाइकोकोलॉइड्स किसे कहते हैं, तो देखिए फाइकोकोलॉइड्स किसे कहते हैं, तो फाइकोकोलॉइड्स जो ब्राउन एल्गी की कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है उस पे कुछ कोलॉइड पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे श्यूसिनिक एसिड हो गया, एल्जिनिक एसिड हो गया, इनको क्या कहेंगे आप, फाइकोकोलॉइड्स। ये आपके कोशिका भित्ति पर पाए जाते हैं ये कोलॉइड पदार्थ। एग्जाम्पल देखिए फ्यूसिनिक एसिड हो गया, एल्जिनिक एसिड और फ्यूकोइडिन, जो ये फाइकोकोलॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्राउन एल्गी को सूखने से और बाहरी आघातों से बचाते हैं, कोई बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है ब्राउन एल्गी को, ये जो कोलॉइड्स होते हैं ये बचाते हैं। उसके अलावा क्या हो, जो हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम को थिक बनाने के लिए आप एल्जिनिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जैसे अगर आपको नए दांत लगवाने हैं तो उसका नाप लेने के लिए भी आप एल्जिनेट का उपयोग करते हैं, आपको नए दांतों का नाप लेने के लिए भी एल्जिनेट की आवश्यकता होती है, उसकी सहायता से आप क्या करेंगे नए दांतों का नाप ले पाएंगे। तो जो फाइकोकोलॉइड्स होते हैं ये आपकी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं और ब्राउन एल्गी को बाहरी आघातों से बचाते हैं, सूखने से बचाते हैं। अब देखिए एल्जिनेट्स और एल्जिनिक एसिड, जो एल्जिनेट है यहाँ पे देखिए एल्जिनेट और एल्जिनिक एसिड, एल्जिनेट या एल्जिनिक एसिड यह क्या है, यह लैमिनेरिया फ्यूकस मैक्रोसिस्टिस आदि ब्राउन एल्गी से प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन बार बार आता है कि एल्जिनिक या तो एल्जिनेट आएगा या एल्जिनिक एसिड आएगा, तो एल्जिनिक एसिड को प्राप्त करने के मुख्य स्रोत क्या है, तो एल्जिनिक एसिड को मुख्य स्रोत प्राप्त करने के मुख्य स्रोत आपके लैमिनेरिया फ्यूकस और मैक्रोसिस्टिस होते हैं। और लैमिनेरिया फ्यूकस मैक्रोसिस्टिस आदि ये क्या है, ब्राउन एल्गी है। फिर उसके बाद कई बार आता है फाइकोकोलॉइड्स किसे कहते हैं, तो फाइकोकोलॉइड्स आपकी ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में पाई जाती है, कोशिका भित्ति में पाई जाती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति को सूखने से बचाना है और उसको बाहरी आघात से बचाना है। फिर है एलिजिनेट्स का उपयोग, जो आपके पास एलिजिनेट्स हैं, ये देखिए एलिजिनिक एसिड है, क्या उपयोग है इसका, क्यों उसको निकालते हैं, तो इसका उपयोग आप साबुन बनाने में कर सकते हैं, आइसक्रीम बनाने में कर सकते हैं, पॉलिश बनाने में, क्रीम व प्लास्टिक बनाने के काम आता है जो एलिजिनेट है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट आपके लिए लिखा गया है कि फ्यूकस, जो फ्यूकस है, फ्यूकस में डिप्लोंटिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, जबकि जो एल्गी हैं शैवालों में आमतौर पर हैप्लोंटिक जीवन चक्र पाया जाता है, लाइफ साइकिल उनकी हैप्लोंटिक होती है, लेकिन जो फ्यूकस है उसमें आपका डिप्लोंटिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जो कायिक प्रजनन है, वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, वह बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर्ट्स के द्वारा होता है ब्राउन एल्गी में, ठीक है। और जो ब्राउन एल्गी है उसमें जो जू स्पोर्ट्स है, चल बीजाणु है तथा युग्मक, चल बीजाणु तथा युग्मक, युग्मक का मतलब क्या हो गया, गैमिट, नाशपति के आकार के होते हैं और जिनपे पार्श्व दिशा में दो असमान कशाभिकाएं होती हैं। कशाभिकाएं का मतलब क्या हो गया, फ्लैजिला होते हैं, नाशपति के आकार के होते हैं। देखिए इस तरह से ये एक नाशपति पियर लाइक शेप हो गया है, और ये तो पियर बना नहीं, ये पियर लाइक शेप हो गया है, और इसमें आपके दोनों तरफ, एक तरफ ऐसे निकला और एक तरफ ऐसे निकला, इस प्रकार से इसमें आपके जू स्पोर्ट्स बनते हैं, इनमें दोनों तरफ से क्या होती है, कशाभिकाएं आपकी फ्लैजिला निकली होती है, जिस पर पार्श्व दिशा में दो असमान कशाभिकाएं उपस्थित होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह आपका आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस टाइप का होता है। इसमें भी देखिए जो सर्गासम है इसे गल्फ वीड कहा जाता है, तो हमने यहाँ पे कितने सारे एग्जांपल पढ़ लिए हैं, देखिए सर्गासम इसे गल्फ वीड कहा जाता है, और यह फ्री फ्लोटिंग स्वतंत्र रूप से तैरने वाली एल्गी है, और यह कहाँ पाई जाती है, यह नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में बहुत तेजी से उगकर हजारों हेक्टेयर तक फैल सकता है,
इसलिए इस क्षेत्र को सरगासो सी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि सरगासो सी किसे कहते हैं, तो सरगासो सी जहाँ जो सरगासम है वह हजारों हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। उसके बाद देखिए लैमिनेरिया, इसको आप कैल्प भी कहेंगे और इसको आप डेविल्स एप्रिन कहते हैं, डेविल्स एप्रिन, और इससे आयोडीन तथा ब्रोमाइन प्राप्त होती है। अब देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। फियोफाइसी के बारे में हमने पढ़ा है, एक बार मैं उसको रिवीजन कर लेती हूँ, रिपीट कर लेती हूँ। कल की क्लास में हम डिवीजन रोडोफाइटा या क्लास रोडोफाइसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना अच्छा लग रहा है या आपको नोट्स प्रोवाइड मैं जो करा रही हूँ वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइए कि पीडीएफ से पढ़ाना ज़्यादा बढ़िया है या बोर्ड पे पढ़ाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपने अपने कमेंट जरूर देने हैं। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं जो हमने आज की क्लास में पढ़ा। हमने आज की क्लास में शुरू करा था, यहाँ पे मैं आपके सामने फिगर रख देती हूँ, इन फिगरों को आप देखिए। ये देखिए, इसको मैं स्क्रीन पर लगा देती हूँ और मैं आपको ओरली समझाती हूँ। तो जो हमने आज की क्लास में पढ़ा वह हमने पढ़ा फियोफाइसी के बारे में पढ़ा है हमने। जो फियोफाइसी है उसको ब्राउन एल्गी या सीबीड्स भी आप कहेंगे, समुद्री खरपतवार भी कहते हैं। और जो ब्राउन एल्गी है वो ज़्यादातर आपके समुद्र में पाई जाती है, लवणीय जल में पाई जाती है, मैराइन वाटर में या समुद्र में पाई जाती है। अब जो ब्राउन एल्गी है वह मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होती है, बहुकोशिकीय होती है, तंतुमय होती है। ब्राउन एल्गी सबसे बड़ी होती है और उनमें से भी सबसे बड़ी ब्राउन एल्गी है मैक्रोसिस्टिस, ठीक है। ब्राउन एल्गी का जो थैलस होता है, ये फिगर देख लीजिए, ब्राउन एल्गी का थैलस तीन भागों में विभाजित होता है। पहले को आप लैमिना फलक या फ्रॉन्ड कहते हैं, दूसरे को स्ट्राइप या ब्रिंथ कहते हैं, और तीसरे को होल्ड फास्ट जो सतह से चिपकने में सहायक होता है। अब जो लैमिना है पत्ती के समान भाग होता है, जो स्ट्राइप है वह क्या होता है, जो स्ट्राइप आपको दिख रहा है सामने उसमें क्या होता है, भोजन के समूहन के लिए लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं और इन नलिकाओं को आप ट्रम्पेट हाइफी कहते हैं। और जो ये नलिकाएं हैं ये दिखने में फ्लोएम के सीव ट्यूब की तरह दिखाई देती हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, फ्यूकस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, लैमिनेरिया हो गया आपका, और सरगासम हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल। पिगमेंट की बात करें तो ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए सी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। जेंटोफिल ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है और फ्यूकोजेंथिन होने के कारण ब्राउन एल्गी ब्राउन होती है, मतलब भूरे रंग की होती है। फ्यूकोजेंथिन के कारण भूरी रंग की जो एल्गी होती है वह भूरा कलर उसमें आ जाता है। अगर स्टोर्ड फूड की बात करें, खाद्य संचित पदार्थ जो होता है वह लैमिनेरियन और मैनिटोल होता है, और जो लैमिनेरियन और मैनिटोल है यह आपके दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं और ये भी एक प्रकार के स्टार्च हैं। उसके बाद जो कोशिका भित्ति होती है उस पर कुछ कोलोइड पदार्थ पाए जाते हैं जिनको आप फाइकोकोलोइड्स कहते हैं, जैसे फ्यूसिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड और फ्यूकोइडिन। और जो फाइकोकोलोइड्स हैं वह ब्राउन एल्गी को सूखने और बाहरी आघातों से बचाते हैं। और इसके अलावा जो फाइकोकोलोइड्स हैं उनका उपयोग आप आइसक्रीम को थिक बनाने में कर सकते हैं। एल्जिनिक एसिड के सॉल्ट, जो एल्जिनिक एसिड का सॉल्ट होता है एल्जिनेट, उसका उपयोग आप, अगर आपको नए दांत लगवाने हैं तो उनका नाप लेने के लिए आप एल्जिनिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, एल्जिनेट्स का उपयोग कर सकते हैं। अब जो एल्जिनेट्स हैं या एल्जिनिक एसिड है यह आपको लैमिनेरिया, फ्यूकस और मैक्रोसिस्टिस आदि ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है। जो एल्जिनेट्स का उपयोग है उसको आप साबुन, आइसक्रीम और पॉलिश क्रीम, प्लास्टिक आदि बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। और जो एल्गी है उसमें ज़्यादातर आपका हैप्लोन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होती है, लेकिन फ्यूकस में डिप्लोन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल होती है। ब्राउन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाईफ्लैजिलेट जूस पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। बाईफ्लैजिलेट का मतलब दो फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला वाले चल बीजाणु के द्वारा होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस टाइप का होता है। अब जो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस होता है, अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या और ओगेमस किसे कहते हैं। अब जो सरगासम है इसके बारे में एक नोट है,
सरगासम को आप गल्फ वीट कहते हैं और यह आपकी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पाई जाती है। यह फ्री फ्लोटिंग एल्गी है और यह क्या कर रही है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है उसमें तेजी से उग करके हजारों हेक्टेयर में फैल चुकी है, इसलिए इस क्षेत्र को आप सरगासूसी कहते हैं। और जो लैमिनेरिया है उसे कैल्प्स भी कहेंगे और इसको आप डेविल्स एप्रिन भी कहते हैं, और लैमिनेरिया से आप आयोडीन और ब्रोमिन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्लास फियोफाइसी को पढ़ा, कल की क्लास में हम क्लास रोडोफाइसी को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लासेज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू क्लासेस।